यूपी के जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद कोतवाली के गांव पूठा में मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। दरअसल मामूली कहासुनी के बाद यह झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दबंगों ने पीड़ित पक्ष की झोपड़ी में आग लगा दी और परिवार की महिलाओं के साथ भी जमकर मारपीट की, जिसमें एक युवक बबलू की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। लड़ाई करने वाले दोनों पक्ष के लोग ही दलित समाज के बताए जा रहे हैं और साथ ही एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने घटना को लापरवाही से लेने वाले चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर करते हुए 16 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आज हम मौजूद हैं जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गाँव पूठा में, जहाँ दो पक्षों में झगड़े में एक युवक की जान चली गई है। हम उनके परिजनों से जानकारी लेते हैं, क्या मामला था? मामला जमीन का था, नल गाड़ने का। वहाँ बोल रहे थे कि रास्ता निकलेगा, लेकिन वहाँ रास्ता नहीं है, पास नहीं है वहाँ को रास्ता। आप देख के जा देख सकते हो, मौजूद आपको चला हम वहाँ जी गए। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी हमारे चाचा जी हैं जिनसे बात चल रही थी, उन्होंने बोला था भाई अगर तू मुझे नल निकालने दे रहा ना यहाँ पे, तो मुझे इतनी जगह अपने में दे दे। ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं थी, सोल्यूशन पूरा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी बात में उसने छतरवान है गंदी गाली बोल के उल्टा सीधा बोल दिया। ठीक है, उस टाइम मेरे ससुर यहाँ से गए थे, वहाँ वो अकेले थे, पीछे पीछे मेरे देवर भी चले गए, बबलू जिनकी हत्या हुई है, हत्या करी गई है कसले से, कसला बजा गर्दन काट रहे, ये थे परिजन जिनका रो रो के बुरा हाल है। जिनका लड़का जवान चला गया हो तो उनका रो रो के बुरा हाल ही होगा। जहां मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था, इसमें दबंगों ने पीड़िता के यहां झोपड़ी में आग लगा दी। आप दिखा सकते हैं, ये झोपड़ी है जो जलकर राख हो चुकी है। झगड़े में एक युवक की मौत हो गई है इलाज के दौरान। हम जानकारी लेंगे, पीड़ित हमारे साथ हैं, क्या मामला था? सर, हम अपना घर पर थे, वो लोग आए, 15-20 लोग थे। हम यहाँ हमारी घरवाली चाय पानी बना रही थी, उस टाइम आने के बाद उन्होंने तुरंत तत्काल लाठी डंडा से वार किया, वे कसला की उल्टी मूंद मारी, बच्चे को घायल किया। आखिर मैं जब यहाँ से चला गया श्रीमान जी, तो मैं पल्ली तरफ गया, जब 112 नंबर पर मेरी घरवाली ने कॉल की, कॉल करने के बाद प्रशासन को बुलाया गया, प्रशासन एक घंटे तक प्रशासन नहीं आया, लिहाजा फिर मैंने कॉल करी, तो ऐसो जहांगीराबाद जी सर को कॉल करी, उन्होंने भी कोई रिमाइंड नहीं लिया। तब मैंने कप्तान सिंह को फोन, कप्तान श्री मांझी कप्तान महोदय को मैंने फ़ोन किया, तत्काल उन्होंने एक्शन लिया और तत्काल 112 नंबर पुलिस फोर्स यहाँ आई और बच्चे को, घायल बच्चे को उठा करके चिकित्सा CSC जहांगीराबाद। क्या नाम है लड़के का? बबलू नाम है लड़के का। आप उनके पिताजी? नहीं, मैं उनका चाचा हूँ। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन लाल है। रिपोर्ट के लोगों के खिलाफ हुई है? रिपोर्ट सर अभी रिपोर्ट 12 थे, ये 20-25 लोग गए थे, अब 3-4 लोग गए हैं अभी। जो ये झुग्गी में आग लगाई है, इसमें कितना सामान जलकर राख हुआ है? इसमें मेरा 20,000 रुपये नकद थे, जाकि मैं चार दीवारी अपनी कर रहा था, मैंने ब्याज पे लेकर के कर्ज पानी लेकर अपनी बेटी की इज्जत बचाने के कारण मैं चार दीवारी कर रहा था, जाकि चार पाँच चारपाई थी, 5-6 कंबल थे, 20,000 रुपये नकद, 2 एंड्रॉयड फोन मोबाइल वो भी जलकर, और जो मेरा पंखा अगड़म घर का बासन बर्तन जो भी आटा दाल था वो सब मेरे पास से सब कुछ भस्म हो गया। लाखों का नुकसान है? लाखों का नुकसान है श्रीमान जी। मैं प्रशासन से सबसे गुहार मांग रहा हूँ कि इस समस्या का जल्द से जल्द एक्शन लें और जो भी हैं उनके लिए सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एक भिखारी 12 साल से मैं हार्ट का पेशेंट, शुगर का पेशेंट, मानसिक रोगी पीड़ित में इसमें गुजारा अपने परिवार के साथ कर रहा था साहब। मैं तो परमात्मा से गुजार करता हूँ और सभी जनता से गुजार करता हूँ कि अन्यथा ऐसा किसी के साथ आग लगाना या किसी के साथ
अत्याचार करना या मारपीट करके नहीं, ख़त्म कर देना। साहब गांव में जनता मेरे साथ अन्याय कर रही है। मैं भी परमात्मा से गुजार करता हूं और सरकार से भी गुजार करता हूं कि मेरी सुनी जाए। मैं इस टाइम भिखारी हूं, मेरे पास एक जोड़ी कपड़े नहीं, सारे कपड़े जल कर राख हो गए। ये थे मृतका के चाचा जी जो बता रहे थे, जो झोंपड़े में सब जलकर इनका राख हो गया है, लाखों का नुकसान है, 20,000 नकदी भी बता रहे हैं। आप दिखा सकते हैं पूरा इनका मकान है, जो तैयारी कर रहे थे मकान की, इनका सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि दीवार भी तोड़ दी साहब, इधर से दीवार भी तोड़ी है। आप दिखा सकते हैं दीवार भी तोड़ी गई है दबंगों ने, और प्रधान गांव के प्रधान आकर के मौजूदगी में इसको तोड़वाया है। क्या नाम है प्रधान? प्रधान का नाम है आनंद। ये जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र गांव पूठा की बड़ी घटना है, जिसके लेकर ये परिजन सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि दबंगों को जो आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ उन्हें जेल भेजा जाए। कैमरामैन अखलाक चौधरी के साथ सुल्तान अंसारी, खबर तहकीकात, जहांगीराबाद बुलंदशहर। हेल्दी विंग हॉस्पिटल, हमारे यहाँ पर टूटी हड्डी व जोड़ों का इलाज किया जाता है, कमर रीढ़ में दर्द व पुराने गठिये रोग का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व महीने के पहले सोमवार को फ्री ओपीडी की भी सुविधा, साथ ही स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है BN कॉम्प्लेक्स, मोतीबाग रोड, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद, और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91 गांव चंदेरू, दहली रोड, बुलंदशहर। आहूजा पान भंडार, हमारे यहां पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर कस्तूरी पान, सगाई पान, और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर।